नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम तैयार, आज शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। संसदीय समिति ने आज ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होंगे सवाल जवाब। WHOM सीरो प्रेवलेंस की स्टडी में दावा, ग्रामीण आबादी के 62.3% में कोरोना संक्रमण के सबूत। इम्फाल से पकड़ा गया 43 किलो सोना, कीमत 21 करोड़, निकालने में लग गए 18 घंटे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। फिर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 26 से 27 पैसे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 4 मई से अब तक पेट्रोल 6.57 रुपए और डीजल 6.96 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.93 रुपए जबकि डीजल का दाम 87.89 रुपए दर्ज किया गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 103 रुपए व डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर है। वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 27वीं बार ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अब देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। DRI ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मणिपुर में करीब 21 करोड़ रुपए की कीमत के 43 किलो सोने को बरामद किया है। DRI के अधिकारियों के मुताबिक एक सूचना मिलने के बाद इम्फाल में एक गाड़ी को रोका गया और उसमें बैठे दो लोगों से पूछताछ की गई। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से सोने के 260 बिस्किट बरामद किए गए, जिनका वजन 43 किलोग्राम बताया जा रहा था। DRI की गुवाहाटी जोनल यूनिट ने गाड़ी में सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक विदेशी सोने के ये बिस्किट कार में 3 जगह खास कैविटी बनाकर छिपाए गए थे। इन्हें निकालने में करीब 18 घंटे का समय लगा था। कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर और बच्चों पर कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में अब अध्ययन जारी है। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और एम्स का सर्वेक्षण सामने आया है, जिसके मुताबिक कोरोना की संभावित तीसरी लहर का बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। जानकारी के अनुसार SARS-CoV-2 की सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा पाई गई, इसलिए ऐसी संभावना नहीं है कि भविष्य में COVID-19 का मौजूदा स्वरूप 2 साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा। फिलहाल माना जा रहा है कि कुछ हफ्तों बाद तीसरी लहर भी आ सकती है। भारत के 3 राज्यों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों राज्यों में भूकंप के झटके अलग अलग समय पर आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1, 3.0 और 2.6 नापी गई है। 4.1, 3. और 2.6 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके सोनेतपुर, असम, चंदेल, मणिपुर, पश्चिम खासी हिल्स, मेघालय में महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सोर्स फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक पश्चिमी खासी हिल्स, मेघालय में भूकंप के झटके सुबह 4:20 पर महसूस किए गए। यहाँ भूकंप की तीव्रता सबसे कम यानी 2.6 नापी गई है। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। ये फर्जी IAS पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा बनकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम करता था। ये फर्जी IAS 50 से 40 अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को हड़काने का काम कर चुका है। इस जालसाज ने मैनपुरी के भोगांव तहसीलदार को भी फोन करके हड़काने का काम किया था। ये फर्जी IAS अधिकारी सूरज पटेल का मूल निवासी बताया जा रहा है।
कानपुर के किदवाई नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने का अनोखा ज्ञान दिया है। विधायक महेश त्रिवेदी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से भ्रष्टाचार की शिक्षा दी, तो आप भी सुनिए कि बीजेपी विधायक का क्या कुछ कहना है। थोड़ा बहुत तो नमक दाल का सिस्टम तो सभी का रहता है, लेकिन ये नहीं है कि दाल ही पूरी हम पी जाए। इसमें कोई आत्मा रोए ना, व्यवस्था भी चलती रहे और व्यवस्था के पक्ष में हम लोग काम करते रहे और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग बहुत लोग इसके पहले 15। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी।